पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 स्क्वाड क्या होगा, क्या होना चाहिए, मिसबाह के रिडार में कौन से खिलाड़ी शामिल हैं, किन खिलाड़ियों के ऊपर मिसबाह की नजर है, आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। आपको इस वीडियो में पाकिस्तान का 16 रुकनी हतमी स्क्वाड बताया जाएगा जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता हुआ दिखाई देगा। ओपनिंग बैट्समैन की बात करते हैं तो ओपनिंग बैट्समैन में बाबर आजम शामिल हैं, फखर जमान शामिल हैं, ये दोनों कन्फर्म खिलाड़ी हैं। इसके अलावा तीसरा ओपनर भी शामिल होगा, उसमें मुकाबला होगा अहमद शहजाद, एहसान अली, कामरान अकमल, इनके दरमियान मुकाबला होगा। लेकिन मैं जो वोट दूंगा ना कामरान अकमल को दूंगा। कामरान अकमल बेशक जो टूर्नामेंट हुआ डोमेस्टिक नेशनल T20 कप में परफॉर्म नहीं किया, लेकिन अगर माजी को देखा जाए तो कामरान अकमल की शानदार परफॉर्मेंस नज़र आती है। कामरान अकमल ने बहुत दोया मिकी आर्थर के मुंह पर, बहुत तमाचे मारे हैं, मिकी आर्थर को बहुत दोया, इतने छक्के मारे हैं, डबल सेंचुरी भी स्कोर की है, बहुत परफॉर्म किया हुआ कामरान अकमल ने। आगे बढ़ते हैं, मिडल ऑर्डर की बात करते हैं तो मिडल ऑर्डर डिपार्टमेंट में हारिस सुहेल शामिल होंगे, आसिफ अली शामिल होंगे, इफ्तिखार अहमद भी शामिल होंगे। इसके अलावा शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज, इन दोनों में से किसी एक ही किस्मत जाग जाएगी, दोनों मिसबाह के अच्छे दोस्त हैं। इसके अलावा बिस्मिल्लाह खान का भी सितारा चमक सकता है विकेट कीपिंग के शोबे में, एहसान अली भी शामिल हो सकते हैं। हारिस सुहेल की बात करते हैं तो हारिस सुहेल को मैं बिल्कुल भी शामिल नहीं करूँगा। हारिस सुहेल पाकिस्तान के T20 स्क्वाड के खुद गर्ज खिलाड़ी हैं, हारिस सुहेल को गेट आउट करना चाहिए, हारिस सुहेल बिल्कुल भी शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की बैटिंग करते हैं अगर आउट ऑफ फॉर्म हो जाए तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर देंगे, पाकिस्तान के लिए दर्द सर बन जाएंगे, रन्स करेंगे, 50s लगाएंगे, ना तो पाकिस्तान इनको बाहर कर सकेगा ना खिला सकेगा, पाकिस्तान पूरी तरह से फंस जाएगा। क्योंकि जब ये रन्स करेंगे 50-60 करेंगे लेकिन पाकिस्तान हारेगा, रन्स इस तरह से करेंगे गेंदे ज़्यादा ले जाएंगे, 50-60 कर जाएंगे, फिर बाकियों के लिए इतना टाइम नहीं बचेगा, बाकी हिट मारते आउट हो जाएंगे, जिसका तीसरे T20 मैच में हुआ था, फिर से पाकिस्तान के लिए दर्द सर बन जाएंगे। अब इनको बाहर करें तो कैसे करें, इन्होंने तो रन्स किए हुए हैं, ये बहुत बड़ी बला है, इसको नहीं खिलाना चाहिए हारिस सुहेल को, T20 स्क्वाड से कम ज़्यादा कम गेट आउट करना चाहिए। हारिस सुहेल की जगह उमर अकमल एक बेहतर चॉइस हो सकते हैं, बेशक उमर अकमल ने अभी टूर्नामेंट में परफॉर्म नहीं किया, कोई बात नहीं, उमर अकमल पाकिस्तान के एक अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अगर इनको कॉन्फिडेंस दिया जाए तो काफ़ी बेहतर हो सकते हैं, हारिस सुहेल की नस्बत कई गुना अच्छे खिलाड़ी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि टीम प्लेयर है, टीम के लिए खेलते हैं, खुद गर्जाना हारिस सुहेल की तरह बैटिंग बिल्कुल भी नहीं करते। आसिफ अली की बात करते हैं तो आसिफ अली ने बहुत उम्दा परफॉर्म किया, अगर आसिफ अली को ड्रॉप किया गया तो मिसबाह के लिए शर्म की बात होगी, जिस कदर आसिफ अली ने परफॉर्म कर दिया ना। आसिफ अली ने 4 मैचेस में 182 रन स्कोर किए हैं, 60 की तकरीबन एवरेज है, और स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो बहुत बढ़िया स्ट्राइक रेट है, 216.166 का है, जो कि बहुत आउटस्टैंडिंग है। इसके अलावा इफ्तिखार अहमद की जगह मेरे पॉइंट ऑफ ओपिनियन के मुताबिक बिस्मिल्लाह खान को शामिल करना चाहिए, बिस्मिल्लाह खान क्वेटा का विकेट कीपर है जो कि बहुत अग्रेसिव बैटिंग करता है, क्वेटा से भी हमें एक खिलाड़ी को शामिल करना चाहिए जो कामरान अकमल के ना होने की वजह से एक अच्छा विकेट कीपर बन सकता है। अगर मोहम्मद रिजवान को शामिल किया गया तो इसकी मैं बहुत इज्जत करूँगा, मोहम्मद रिजवान जिस तरह से बैटिंग करता है ना बहुत अफसोसनाक बात है, अच्छा खेलता है, परफॉर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर बॉलिंग मुश्किल हुई तो इसने टीम में जगह बनाने के चक्कर में हारिस सुहेल की तरह कौमी टीम को बर्बाद कर देना है, इसलिए मोहम्मद रिजवान को बिल्कुल भी शामिल नहीं करना चाहिए, अगर किया गया तो बहुत बड़ा तचका होगा, मोहम्मद रिजवान को बिल्कुल भी शामिल नहीं करना चाहिए, बिस्मिल्लाह खान एक बेहतरीन विकेट कीपर है। आगे बढ़ते हैं, शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज, इन दोनों में से किसी एक का सितारा चमक उठेगा। शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज दोनों मिसबाह के अच्छे दोस्त हैं, इन दोनों में से किसी एक को खिलाया जाएगा, मेरी चॉइस पिक करें तो शोएब मलिक एक बेहतर चॉइस होंगे, शोएब मलिक को शामिल कर लिया जाएगा, इसका कभी मकान मौजूद है। शोएब मलिक ने कैरेबियन प्रीमियर लीग ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है मोहम्मद हफीज के नस्बत, मोहम्मद हफीज़ ने परफॉर्म नहीं किया, आउट ऑफ फॉर्म है, इसलिए मोहम्मद हफीज़ को मैं नहीं लेके जा रहा, शोएब मलिक को लेके जा रहा हूँ।
आगे बढ़ते हैं, एक और डोमेस्टिक बैट्समैन को खिला सकते हैं। अगर आपने 16 खिलाड़ी लेके जाने हैं तो आप एक और बैट्समैन को शामिल कर सकते हैं। एहसान अली आते हैं, खुशदिल शाह आते हैं, इस तरह के डोमेस्टिक प्लेयर्स आते हैं। अगर आपने 15 लेके जाने हैं तो बैट्समैन यहीं तक काफ़ी हैं। आगे बढ़ते हैं, बॉलर्स की बात करते हैं। स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स में शादाब खान को बिल्कुल भी नहीं लेके जाऊंगा। शादाब खान बिल्कुल भी नहीं जाने चाहिए, क्योंकि शादाब खान की बॉलिंग की फॉर्म बहुत ख़राब हुई पड़ी है। शायद वह बैट्समैन बनना चाहते हैं, बॉलिंग से उनका दिल उठ चुका है। उनका एक बयान भी सामने आया था जराए के मुताबिक कि शादाब खान स्टीवन स्मिथ को फॉलो करते हैं। अगर वह स्टीवन स्मिथ को फॉलो करते हैं, वैसा बनाना चाहते हैं, ज़ाहिर तौर पर उनकी बॉलिंग तो ख़राब होगी ना होगी, बैटिंग चाहे बेहतर हो या ना बॉलिंग तो ख़राब होगी। बहरहाल शादाब खान की परफॉर्मेंस नेशनल T20 में भी काफ़ी अच्छी नहीं है, इसलिए शादाब खान की जगह मोहम्मद मोहसिन है, इनको शामिल करना चाहिए। इन्होंने भी तकरीबन अच्छी बॉलिंग की। इसके अलावा जाहिद महमूद हैं, इनको भी ट्रेनिंग कैंप के लिए बुलाया गया है। 13 खिलाड़ियों को ट्रेनिंग कैंप के लिए बुलाया गया है, जिनमें बॉलर शामिल है, 5 स्पिनर शामिल हैं। इसके अलावा उस्मान कादिर भी हैं। कोई ना कोई एक अच्छा स्पिनर लेके जाना चाहिए शादाब खान की जगह। आगे बढ़ते हैं, फास्ट बॉलर्स की बात करते हैं तो फहीम अशरफ की जगह इमाद बट को लेके जाना चाहिए। फहीम अशरफ की बॉलिंग तो बेहतर हुई है, लेकिन वो एज ए ऑलराउंडर नहीं खेल सकते, बैटिंग के मामले में काफ़ी पीछे हैं, इसलिए इमाद बट को लेके जाना चाहिए। इन्होंने परफॉर्म किया, कुछ ना कुछ दिखाया, फहीम अशरफ को बहुत मौके दे दिए। अब इमाद बट की बारी आनी चाहिए, किसी नए ऑलराउंडर की बारी आनी चाहिए। इमाद बट ने 4 मैचों में डोमेस्टिक T20 के 4 मैचों में 4 मैच खेलते हुए 14 ओवर किए हैं, 104 रन दिए हैं, 8 विकेटें हासिल की हैं और 7.42 की इकोनॉमी है। इमाद बट बैटिंग में अग्रेसिव हिटिंग भी करते हैं, इसलिए बेहतर हो सकता है। दीगर फास्ट बॉलर्स की बात की जाए तो मोहम्मद आमिर वहाब रियाज लाजमी शामिल होंगे। इसके अलावा मोहम्मद हसनैन भी शामिल होंगे। विकेटें तो ली हैं डोमेस्टिक T20 में, लेकिन रन बहुत ज़्यादा दी हैं, इनकी इकोनॉमी जो है 8.43 है पहले 4 मैचेस में। इसके अलावा एक बॉलर मजीद लेके जा सकते हैं, शाहीन शाफरीदी। हसन अली तकरीबन इंजर्ड हैं, शाहीन शाफरीदी फिट होने जा रहे हैं। अगर फिट हो गए तो शाहीन शाफरीदी स्क्वाड का हिस्सा होंगे, अलबत्ता किसी नए बॉलर को देखा जा सकता। सुना है कि शाहीन शाफरीदी को भी कैंप में बुलाया गया है, इसलिए शाहीन शाफरीदी भी हिस्सा हो सकते हैं, अगर फिट हो गए तो लाजमी होंगे। ये था पाकिस्तान का 16 स्क्वाड। आपकी स्क्वाड के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि आपको क्रिकेट की नई लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल पाए और आप उसे वॉच कर पाएँ।